तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आ गया है। आज ऊना में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, तो ऊना से ये बड़ी जानकारी आ रही है, भजन भवनों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री अनुराग ठाकुर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी कार्यक्रम है। देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि आज ऊना में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ऊना का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता पंकज कत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऊना आने वाले हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, क्या कुछ अभी ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज देश के मुख्यमंत्री इसी सप्ताह के अंदर अंदर दूसरी बार ऊना पहुंच रहे हैं और उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे और साथ में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पाल सिंह सत्ती आज सारे कार्यक्रम की अगुवाई यहां पर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 265 करोड़ से ज्यादा के भवनों का शिलान्यास जो है वो आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से रहने वाला है, जिसका शिलान्यास व उद्घाटन जो है आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और अनुराग सिंह ठाकुर करेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 75वें वर्षगांठ को लेकर भी एक कार्यक्रम आयोजित जो है वो किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों की प्रदर्शनों को भी और बीजेपी सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शनियां जो है वो लगाई जाएंगी। बिल्कुल, ऐसे में और क्या क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि भजन भवनों का भी शिलान्यास होगा, क्या कुछ तैयारी चल रही है उसको लेकर? देखिए तैयारियों की बात करिए तो जिस प्रकार से आज मौसम बना हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर ड्रोन का प्रयोग जो है वो किया गया रैली को सफल बनाने के लिए, ताकि बारिश जो है वो इस कार्यक्रम में खलल ना डाल सके। इस कार्यक्रम को लेकर सतपाल सिंह सत्ती लगातार पिछले 3-4 दिनों से खुद मैदान पर उतरे हुए हैं, उनके साथ सरकारी विभागों के जितने भी कर्मचारी हैं वो भी मैदान पर दिखाई दिए हैं। और कुछ ही देर में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो झलेड़ा के ग्राउंड में उतरेगा, वहां से उनको जहां जनसभा होनी है वहां लेके आएगा और अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो धर्मशाला से बाय रोड जो है वो ऊना पहुंचेंगे। चलिए ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, खबर पर अपडेट रखिएगा, आगे भी लगातार आपसे जानकारी हम लोग लेते रहेंगे। तो बता दें कि ऊना से बड़ी जानकारी है, आज ऊना पहुंचेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का लोकार्पण होगा, भजन कार्यालय का भी यहाँ पर उद्घाटन होगा, तो कई कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे।